नोट। तो ये जो मेरी क्वेश्चन बनी है वो है आइंस्टीन की, यही क्वेश्चन पूछी जाएगी आपसे, आइंस्टीन की क्वांटम इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। क्वांटम इक्वेशन पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में हमें जो भी चीज़ें जानकारी दी, यानी उसको सक्सेसफुली समझा दिया कि वास्तव में ये फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होता है जब किसी हम मेटल की सरफेस पर लाइट डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ये आइंस्टीन ने बताया। क्लासिकल जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्लासिकल फिजिक्स इसे नहीं समझा पाई, इसे नहीं प्रूफ कर पाई कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मेटल में होता है या नहीं होता। तो इसके उलट आइंस्टीन ने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी कह सकते हैं, या आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी के तहत इसे प्रूफ कर दिया कि जो मेटल्स हैं उनमें फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। किस प्रकार होता है पूरा थ्योरी इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, शेयर वाले बटन को तोड़ देना है आपको, इतना अधिक शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो दिल से लाइक करें। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी क्या कहती है आज की इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं। आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसके बारे में सक्सेसफुली टिप्पणी की, या इसके बारे में अपना प्रिंसिपल दिया, अपना मोटो रखा कि ये सक्सेसफुल है, ये सही है कि जो मेटल्स हैं उनकी सरफेस पर लाइट डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। किस प्रकार उसने, किस सिद्धांत के तहत, किस फ्रेम के तहत उन्होंने कहा, ये देखिए किस प्रकार कहते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि जो मेरे पास जो लाइट होती है, क्लासिकल के उलट क्लासिकल ने कहा कि जो हम लाइट, प्रकाश लाइट किसी मेटल की सरफेस पर डालते हैं तो ये प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बराबर अंश में मिलती है, बराबर अंश में, यानी जो लाइट डाली है उसकी एनर्जी, इसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें बराबर मात्रा में एक तरंगाग्र के रूप में मिलेगी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बराबर मिलेगी। और यही इसके उलट यहाँ पर आइंस्टीन ने क्या कहा है कि हम लाइट डालेंगे वो जो लाइट है मेरी, वो जो लाइट है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक बराबर मिलेगी, लेकिन आइंस्टीन ने कहा है कि ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। लाइट क्या होती है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, और इन पैकेट्स को क्या कहा गया? क्वांटा कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? क्वांटा। किसने कहा गया? कि आइंस्टीन कहता है कि जो लाइट है मेरी, ये लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, अगर मैं इसे मेटल की सरफेस पर डालूंगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और यहाँ से इन्हें जो पैकेट्स हैं उन्हें क्वांटा कहा गया, या इन्हें ही फोटोन कहा गया। और आइंस्टीन ने बताया कि फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू होती है, यहाँ पर न्यू इस फ्रिक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी, ई बराबर एच न्यू। प्रत्येक क्वांटा जो यहाँ पर, ये प्रत्येक फोटोन है, इसकी एनर्जी के बारे में आइंस्टीन ने कहा कि ई बराबर एच न्यू इसकी एनर्जी होती है। अब देखिए ई बराबर एच न्यू, जहाँ पर एच की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? एच की वैल्यू 6.62 × 10^-34 जूल सेकेंड। एच की वैल्यू ये 6.62 × 10^-34। यहाँ पर एच को क्या कहते हैं? प्लांक कांस्टेंट। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और इस वजह से प्लांक का भी इसमें योगदान था, इस वजह से इसे प्लांक क्वांटम थ्योरी भी नाम दे दिया जाता है। आइंस्टीन ने क्या कहा? अब तक हमने क्या पढ़ा है? आइंस्टीन ने कहा भैया कि जो हम लाइट डालते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिलती है, और उन पैकेट्स को क्या कहा गया? क्वांटा कहा गया, और क्वांटा को फोटोन कहा गया, और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू होती है, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए इस चीज को इतना तो बता दिया इसने, इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे क्या पता चला कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सक्सेसफुल हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सही है। मेटल्स पर जब हम लाइट डालते हैं तो उन्हें जो एक निश्चित रूप से जो उन्हें आवृत्ति चाहिए, जिस लाइट की आवृत्ति चाहिए, वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। कैसे पता चला आइंस्टीन साहब, आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? अब देखिए कैसे कहता हूं मैं, आइंस्टीन कहता है ये बातें, कि इतना समझ में आ गया आपको,
साथ में अगर आपके पास बुक और हो जाए, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ये बुक जहाँ भी जो भी बुक है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की, कुछ भी जहाँ भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जहाँ भी लगती है आपको बुक हो, जहाँ भी ये टॉपिक आपको मिल रहा है उससे साथ साथ पढ़ते रहें, तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अब कहता है आइंस्टीन, अगर आइंस्टीन ने कहा कि जो लाइट्स है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होती है, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ से किस प्रकार समझाएगा ये आपको, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है याद होना चाहिए, तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। अब यहाँ से ये जो है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर सारे लाइट डालता हूँ, लाइट क्या है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, अगर यहाँ पर मिलेगी तो ये जो मेरी मेटल है उसे जब भी जो भी उससे एक निश्चित आवृत्ति का, यानी हमें कहते हैं दहली आवृत्ति होती है, उससे कम आवृत्ति पर नहीं होता, जब भी जो भी इस निश्चित आवृत्ति का फोटोन इस पर आपतित होगा तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर आपतित हुआ निश्चित आवृत्ति का, जितनी इलेक्ट्रॉन्स को नीड है उसके बाद तुरंत वहां से निकल जाएगा, तुरंत वहां से उत्सर्जित हो जाएगा, यहां से उत्सर्जित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो भी से नीड है कम वाला नहीं लेगा, E बराबर H nu है तो कम वाला नहीं लेगा, निश्चित आवृत्ति वाला जो इसको नीड है वो लेते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा मेटल की सरफेस से, और मेटल की सरफेस से बाहर निकलना ही तो क्या है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इतना क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यानी इसमें टाइम लेग नहीं होगा। फोन आपका मोबाइल लेग हो सकता है लेकिन टाइम लेग नहीं होगा, समय पश्चता का अभाव है यहाँ पर, समय पश्चता नहीं होगी। जैसे इसे फोटोन मिला मेटल को, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहाँ टाइम लगा, और यही फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहता है जी। टाइम प्रकाश जो निश्चित आवृत्ति का प्रकाश है उसे ग्रहण करने के बाद मेटल अपने इलेक्ट्रॉन तुरंत त्याग देती है, टाइम नहीं लगता। पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा कहते हैं कि जो एनर्जी है इनकी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर निर्भर करती है। इन्होंने फोटो जो क्वांटम सिद्धांत है ये E बराबर H nu कहता है इसकी, कि प्रत्येक फोटोन की एनर्जी E बराबर H nu होती है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको इंटेंसिटी का स्टेप दिखाई दे रहा है क्या? इंटेंसिटी का स्टेप नहीं दिखाई दे रहा, किसका दिखाई दे रहा है? न्यू आवृत्ति का। तो यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होगी या फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, न कि इंटेंसिटी पर। और यही तो हमने क्या पढ़ा था, यही तो हमने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उनकी गतिज ऊर्जा है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, न कि इंटेंसिटी पर। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, प्रकाश विद्युत धारा है, वो तीव्रता के समानुपाती होती है, वो इंटेंसिटी के समानुपाती होती है, ये हमने पढ़ लिया। तो आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी क्लियर हो गई है। आइंस्टीन ने क्या कहा दोबारा सुन लीजिए। आइंस्टीन कहता है कि मेरे पास कोई मेटल है, उस पर जब लाइट गिरेगी, यहाँ पर लाइट गिरी है, तो जो लाइट है उसकी एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में इस मेटल को मिलेगी। जब ये पैकेट्स यहाँ से इस मेटल से टकराएंगे, तो जो मेटल है वो निश्चित आवृत्ति का प्रकाश अपने अंदर ग्रहण करेगी और तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगी। जो पैकेट्स हैं उन्हें फोटोन कहा गया या क्वांटा कहा गया, और उसकी एनर्जी के बारे में E बराबर H nu बताया गया है, जहाँ पर H प्लैंक कॉन्स्टेंट है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, और इसी के साथ ये जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है, जो क्लासिकल नहीं कर पाया, यही इसकी कमी थी। और कल हमने इससे संबंधित वीडियो भी बना दिया था कि क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं समझा पाई कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, यही वजह थी। और यहाँ पर यह वजह आइंस्टीन ने दूर कर दी है। अब देखिए थोड़ा सा आइंस्टीन के बारे में, और इसने क्या क्या डेफिनेशन दी, कुछ डेफिनेशंस और रहती है इसकी क्वेश्चन से संबंधित। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर का पार्ट जो हाफ लेक्चर हो चुका है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसी वीडियो का जो आगे वाला पार्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए जो आगे चंद मिनटों बाद आपको चीज़ें मिलेंगी, तो बने रहें हमारे साथ। अब देखिए वर्क फंक्शन क्या है भाई, वर्क फंक्शन कार्य फलन, वर्क फंक्शन सुनिएगा,
मेरे पास क्या है, मेटल्स, मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ निकलना चाहते हैं, बाहर। जब इन्हें कोई निश्चित आवृत्ति की लाइट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। देखिए, अगर कोई लाइट यहाँ पर डालता हूँ तो मेटल से परिभाषा क्या बनेगी, मेटल से धातु से, जब कोई धातु पर कोई लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा निश्चित आवृत्ति ग्रहण करने के लिए। तो कम से कम कितनी लाइट यहाँ पर डाली जाए, यानी जो कितनी ऊर्जा यहाँ पर देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, यानी धातु पृष्ठ को जो कम से कम न्यूनतम ऊर्जा कितनी दें कि इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो जाएं, यानी मेटल को, क्या कह रहा हूं, मेटल को न्यूनतम को मिनिमम एनर्जी कितनी दें कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएं। तो जो न्यूनतम ऊर्जा है, जो मिनिमम एनर्जी ही वर्क फंक्शन कहलाएगी। ये लीजिए, अब आप चाहे इंग्लिश मीडियम में से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, सभी को समझ में आएगी, क्योंकि हमने चीज़ इसी तरह बताई है कि मेटल को मिनिमम एनर्जी कितनी दें कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएं, न्यूनतम ऊर्जा कितनी दें कि इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो जाएं। तो यह जो माप है मेरी, जो ये एनर्जी होगी वही क्या होगी, वर्क फंक्शन होगी। अब देखिए, हमने न्यूनतम ऊर्जा, यानी किसी धातु को न्यूनतम ऊर्जा, उससे नीचे अगर ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, उसे हमने क्या कहा, थ्री सोल्ड एनर्जी यानी दहली आवर्ति। तो इससे क्या मैच हुआ कि जो इसकी वर्क फंक्शन है वो दहली आवर्ति के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, यानी जो थ्री सोल्ड दहली आवर्ती है वो भी यही कहती है न्यूनतम कम से कम ऊर्जा जितनी जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए उसे क्या कहेंगे, दहली आवर्ती। और यही भी वर्क फंक्शन क्या कह रहा है कि कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा कितनी दें कि इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो जाए, और दहली आवर्ती क्या कहती है कि उससे न्यूनतम उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो फाई, जो इसे हम वर्क फंक्शन को फाई द्वारा व्यक्त करते हैं, फाई किसके इक्वल हो गया, हमें पता है फोटोन की एनर्जी क्या थी, ई बराबर एच न्यू थी, और यहाँ पर दहली आवर्ती क्या होती है, न्यू नोट, तो यानी फाई बराबर एच न्यू नोट, ये इसकी वैल्यू हो गई, वर्क फंक्शन की वैल्यू हो गई, जो दहली आवर्ती के, दहली फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गई, ये इक्वेशन फाई बराबर एच न्यू नोट आपको समझ में आ गया। एक दो बार वीडियो को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, आइंस्टीन क्वांटम इक्वेशन, यानी जो इसने सिद्धांत दिया है उसी इक्वेशन क्या निकली है, उस इक्वेशन के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, आइंस्टीन क्वांटम इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ध्यान से सुनिए, फाइव बराबर एच न्यू नोट क्या है, वर्क फंक्शन की वैल्यू है। अब सुनिए ध्यान से, मैंने कहा यहाँ पर ये मेरी मेटल है, यहाँ पर लाइट आएगी फोटोन के रूप में, जिसकी एनर्जी कितनी थी, E बराबर एच न्यू। अगर यहाँ पर लाइट डाली हमने, कम से कम जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अब देखिए यहाँ पर मैंने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में खा जाएंगे, यानी मैंने कुछ एनर्जी दी इसको, कुछ तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने में ही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ग्रहण करेंगे तभी तो बाहर आएंगे, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में ही एनर्जी को खराब, जो ये टोटल एनर्जी है उसको ग्रहण कर जाएंगे, तो एनर्जी कम कर देंगे, और जो बची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होकर चलेंगे भी, तो यानी टोटल जो एनर्जी संरक्षण रहता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, वो यहाँ पर फिट बैठता है कि यहाँ से एच न्यू ऊर्जा देंगे, टोटल एच न्यू दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, पहले उत्सर्जित कराने में जो ऊर्जा खर्च हुई है, और प्लस जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, टोटल किसके इक्वल होगी, एच न्यू के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को खर्च करने में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्या कहती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इंग्लिश में आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, पहले तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, टोटल एनर्जी हमने एच न्यू हमने टोटल एनर्जी दी, ये दो पार्टों में टूट जाएगी, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च, तो वो कितनी हुई, आपको पता है फाई के इक्वल होगी, फाई किसके इक्वल है, एच न्यू नोट के, यहाँ पर ये देख लीजिए एच न्यू नोट।
तो टोटल एनर्जी E बराबर एच न्यू नोट और इक्वल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी थी प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम, यानी इसकी वेग गतिज ऊर्जा यही होती है E बराबर 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो टोटल इसके सिद्धांत से ये इक्वेशन मेरे को निकलने के लिए है। अब यहाँ से इसे सोल्व करते हैं, 1/2 एम वी स्क्वेयर अगर यहाँ से मैंने निकाला तो क्या एच न्यू माइनस न्यू नोट, तो ये जो मेरी इक्वेशन बनी है वो है आइंस्टीन की, यही इक्वेशन पूछी जाएगी आपसे, आइंस्टीन की क्वांटम इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। क्वांटम इक्वेशन पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी जाती है कि आइंस्टीन की क्वांटम इक्वेशन क्या है, तो 1/2 एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नोट क्या होगी आइंस्टीन की क्वांटम इक्वेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा और चीज़ सुनिए, आपको पता है जो हमने फोटो इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट के बारे में पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट क्या कह रहा था कि जो गतिज ऊर्जा है उसने ये कहा 1/2 एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम किसके इक्वल था, ई न्यू नोट, यहाँ पर न्यू नोट नहीं है ये वी नोट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो हमने सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा था या फर्स्ट लेक्चर में हमने मैंने बताया था कि 1/2 एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम ई वी नोट, वी नोट क्या है निरोधी विभव के इक्वल होगी, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था यहाँ पर, तो इससे अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू रखूँगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरा ई वी नोट इक्वल एच वी न्यू माइनस न्यू नोट, न्यू नोट यहाँ पर डेली आवर्ती है लेकिन वी नोट ये कैपिटल वी नोट है जिसे क्या कहते हैं आपको भी पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव, ये दहली आवर्ती है, ये जो एनर्जी क्वांटम जो हमें प्लांक जो क्वांटा है उसकी एनर्जी वाला न्यू है, और यहाँ से अगर न्यू प्रवर्धित इक्वेशन और निकालें यहाँ से तो एच बटा ई अगर मल्टीप्लाई करा दें तो माइनस एच बटा ई न्यू नोट। अब आपको पता है जो ये क्या बन गया मेरा फाइव बन गया, तो आगे थोड़ा सा इक्वेशन और लिखते हैं इसे, ये न्यू वी नोट क्या होगा एच बटा ई के, ये क्या बन गया फाई एच न्यू नोट, अभी तो हमने बताया था फाई ई, तो ये मेरा टोटल इक्वेशन इसका प्रवर्धित इक्वेशन आ गया आइंस्टीन के क्वांटम का प्रवर्धित इक्वेशन यह होगा। अब देखिए इन दोनों के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, V नोट क्या है निरोधी विभव और ये आवर्ती है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी और निरोधी विभव के मध्य हम ग्राफ खींचना चाहेंगे, यहाँ से देख लीजिए ये मेरी है फ्रीक्वेंसी और ये है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट, और यहाँ पर देखिए जो अब आपको पता है यहाँ से एक सरल रेखा का डायग्राम बनेगा, सरल रेखा बनेगी और लेकिन यहाँ पर ये जो मेरा वैल्यू है ये कम कर रहा है किसको, तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा यानी इसका काट क्षेत्र यहाँ से हो जाएगा, तो ये न्यू नोट क्या है मेरी दहली आवर्ती और इसका स्लोप इसका ढाल एच बटा ई, जो ये ढाल है इसका आवर्ती क्योंकि आवर्ती के मध्य है तो ढाल क्या होगा एच बटा ई, तो ये क्षेत्र क्या बच गया मेरा फाई अपॉन ई, तो ये जो मेरा इसके मध्य का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो जल्दी से इस लेक्चर को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।